अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशंस। स्ट्रांग बनते प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है, टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले एक साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, एक साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं एक फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनका अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है, अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे पूरी रात, वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए जब सुबह उठे, तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो, जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है उस पे फोकस करो, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइफ चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं, तो ऐसे ही मोटिवेशन है। डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जाए। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेंगे। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे,
इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन। मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचर। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे, बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है, उसके बाहर आप चाहेंगे तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नियत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो है, वो हजार कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 देखो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी, जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके।